हेलो एवरीवन, PSTNM के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार, ऑल इंडिया उड़ान ग्रुप कैप्टन, आज फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं और बात करूंगा हम के ऊपर। ये देश किसका? हमारा। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं ना, हमारा किसका? हमारा मतलब हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा बोलते ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और जब हम मैं बोलता हूं मेरा, तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। और जिस दिन आप मेरी, मेरा, मैं रिस्पॉन्सिबल, जिस दिन आपको मैं कहने की आदत पड़ जाएगी, उस दिन आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। परिवार मेरा, बीवी मेरी, बच्चे मेरे, माँ बाप मेरे, तो देश भी तो मेरा। और जिस दिन देश मेरा हो गया, उस दिन देश में बुराइयां खत्म हो जाएंगी। उस दिन अपना घर ही नहीं, सड़कें भी साफ करोगे। उस दिन आप नशे का अंत करने के लिए आगे निकल पड़ोगे। उस दिन आपको सारा देश अपने परिवार जैसा दिखने लग जाएगा। बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब सारा कुटुंब वासुदेव जी का। तो अब इसमें मेरा और पराया कुछ है नहीं, बस समझ समझ का अंतर है। जिस दिन ये समझ आपकी खुल गई, उस दिन ये देश मेरा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर भी मैं की भावना पैदा करूं, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने की भावना को पैदा करूं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बातचीत करने का मकसद यह था कि हम अपनी जिंदगी में कामयाबी और नाकामयाबी के जवाबदार भी खुद बने। अगर आप कामयाब हैं तो अपनी वजह से, अगर आप नाकामयाब हैं तो अपनी वजह से। अपनी झोली में झांकिए। बोलते हैं जब ऐसे उंगली की जाती है तो तीन उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। हमें अपने अंदर तीन गुना सुधार की जरूरत करनी पड़ती है, हमें अपने अंदर तीन गुना सुधार करना होता है। और जिस दिन आप इस तीन गुना सुधार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप किसी की तरफ उंगली नहीं करेंगे, हमेशा अपनी तरफ उंगली करेंगे। क्योंकि जब आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और हम दुनिया सुधारने निकल पड़ते हैं और खुद को सुधारते ही नहीं। ऐसा ही हो रहा है। मैं तुझे मालूम है कि बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं कि जो भी करूंगा मैं करूंगा अपनी तरक्की के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप आगे बढ़ने की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप सभी को बुलाता हूं, निमंत्रण देता हूं हम बनने के लिए, मैं बनने के लिए। क्योंकि हम कौन? आई मी माई सेल्फ। और जिस दिन ये भावना पैदा होगी कि मैं करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल, मैं करूंगा, उस दिन ये दुनिया आगे बढ़ेगी। और जब हम और आप मिलकर एक हो जाएंगे, तब हम दुनिया में बदलाव ला सकेंगे। जानते हैं बदलाव कब आता है? बदलाव किसी एक आदमी के करने से नहीं आता। बदलाव लाने के लिए हमें और आपको एक साथ मिलकर, एक साथ एकजुट होकर चलना होगा, तब दुनिया में बदलाव आएगा। एक रास्ता, एक संघर्ष, एक ही गुरु। कहते हैं हर किसी का एक सलाहकार है, चाहे वो PM हो, चाहे वो CM हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन हो, उसकी जिंदगी में एक सलाहकार जरूर होता है। सब फैसले आदमी अपनी मर्जी से नहीं लेता, अपनी सलाहकार से, अपनी पूरी टीम से मिलकर बैठकर फैसला करता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई सलाहकार है? अगर आपकी जिंदगी में बढ़िया सलाहकार मिल गया तो आपकी जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का खुद ही फैसला करने लग गए तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि सारे फैसले आपके सही हो, ये बताएगा कौन? हमारे सभी फैसले सही नहीं हो सकते, ये एकदम सही है। इसलिए हमारी अपनी जिंदगी में एक सलाहकार का होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त कि सलाहकार श्री कृष्ण जैसा हो, तब बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कि मंत्रा और शकुनी जैसा आपको कोई सलाहकार मिल जाए और आपकी जिंदगी को नरक बना के रख दे। याद रखिएगा कि महाभारत के युद्ध में यदि श्री कृष्ण पांडवों के साथ ना होकर कौरवों के साथ होते तो युद्ध की दशा और दिशा कुछ और ही होती। लोग बड़ी टीम से युद्ध नहीं जीतते, बड़े सपनों से, बड़ी ड्रीम से, बड़े लोगों की सोच से, बड़े लोगों की समझ से युद्ध को जीतते हैं। याद रखिएगा,
कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में भी सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अपनी जिंदगी के सलाहकार को चुनने के लिए 1000 बार फैसला कीजिएगा और चुन लिया तो फिर ब्लाइंड फॉलोअर्स बनिएगा और जो कहते हैं, क्योंकि कोई आदमी अगर आपको सलाह दे रहा है तो उसने उस चीज को अनुभव किया है तब अब आपको सलाह दे रहा है, क्योंकि बिना अनुभव के आधार पर अगर कोई आदमी आपको सलाह दे रहा है तो वो भी जहर दे रहा है। किसी भी चीज की सलाह देने से पहले आपका पर्सनल अनुभव उसके ऊपर कैसा है ये जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो बड़ा मजा आता है जब मैं आप सब लोगों से इस तरह मुखातिब होता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप सभी का स्वागत है PSTNM के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपनी टीम से, अपने सभी व्यूवर्स से ये उम्मीद करता हूं कि वो सब मुझसे सवाल करें, क्योंकि जैसा आपका सवाल होगा वैसा ही मैं आपको कॉन्टेंट दे पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सवाल करें और मैं उसका जवाब दूं आपको। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में उतर आए हैं तो दोस्त एक पावरफुल बिजनेस में है, एक पावरफुल लीडरशिप के साथ है और गुरुओं से सीखिए कि कैसे इस बिजनेस में कामयाब हुआ जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है और उनकी सलाह, उनके मशवरे को लेकर आगे काम करते चलिए, आप 100% कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कामयाब होने के लिए यहां पर आपका दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो इस बिजनेस को सिखाता है। ये तो जिन लोगों ने अनुभव किया है वो लोग आपको इस बिजनेस को सिखाते हैं। तो जिन लोगों ने अनुभव लिया है, जो आज बिजनेस में कामयाब है, उनकी सलाह, उनके सबमिशन में आइए और उनके साथ मिलकर काम की शुरुआत करिए। हम आपके साथ हैं, बस हम की भावना को त्यागिए और मैं की भावना के साथ काम कीजिए। आप अपनी जिंदगी के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर आपको कोई कामयाब कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई भी तीसरा आदमी आपको कामयाब नहीं कर सकता। आप कामयाब होंगे तो अपनी वजह से, आप फेल होंगे तो अपनी वजह से, आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी वजह से, अगर आप गिरेंगे तो अपनी वजह से। हम तो सिर्फ आपको सलाह देंगे कि अगर आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा और ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हम हर मोड़ पर, हर जगह पर आपसे मिलते रहेंगे, आपको सही गाइडेंस देते रहेंगे, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर काम कर करके अनुभव किया गया जो कंटेंट है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मिलकर करेंगे, बड़े लेवल पर करेंगे, एक साथ चलेंगे। तो आज के बाद हम की भावना को त्यागना है और मैं की भावना में आना है। आप अपनी जिंदगी के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, हम पूरी टीम बन के एक साथ मिलकर मैं की भावना के साथ काम करेंगे, क्योंकि जब टीम बन जाती है तो उसमें हम नहीं रह जाता, वो एक टीम का नाम बन जाता है। आप भी मिलें, हम भी मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।